दोस्तों देखो, एक ब्रिज को ही सलटा दिया एक गाड़ी ने, पूरे ब्रिज को ही पीछे से लेके आगे तक। भाई देखो, इधर से इधर निकल गया भाई साहब। दोस्तों ये जगह वही है। ओ भाई यार, भाई भाई साहब की बिल्टी गिर गई। ओ भाई साहब, गाड़ी का आगे का टायर पंचर हो गया और आगे जेक ही बहुत मुश्किल से लगा। एक बार आपके भाई की हालत देख लो, चेहरे की तो ठीक ठाक है, पीछे से देखो। यहाँ पे इस कीचड़ में नीचे घुस गए और जेक लगाना पड़ा और जेक हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे 6। सुबह सुबह ऐसी बात नहीं, देखो सर्दी लग रही है और तेज हवा भी चल रही है। और देख लो 12:30 सोए और अभी 6 बजे उठ गए। और कम से कम बेंगलोर से 350-400 किलोमीटर के लमसम आगे आगे, क्योंकि यहाँ पे ना कल के दिन में बारिश हुई थी, हवा चल रही है। और अभी है ना हम मतलब थोड़े से पहाड़ी टाइप के इलाके में खड़े, या पार्किंग वाले आए थे, इन्हें बोला भैया गाड़ी तो स्टार्ट कर दी, पार्किंग नहीं दोगे क्या? इन्हें बोल दिया भाई अभी चाय के और पार्किंग के दोनों पैसे देने। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब की वीडियो बना। चलो गाइस वीडियो इतने पाके चलते, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। राजस्थानी होटल है इस साइड में। आज तो दोस्तों यहाँ पे इतनी सर्दी लग रही है, मतलब जनवरी के महीने में सर्दी पड़ती है ना, उतनी सर्दी लग रही है अभी। अब चलते हैं दोस्तों फिर से होटल में। मैंने चाय पी लिया, ड्राइवर के लिए गाड़ी में लेके गया था गिलास और चाय के पैसे इनको देना पार्किंग में। दोस्तों होटल वाले ने ना चाय के पैसे पैसे काटे, चौकीदारी के नहीं काटे, चौकीदारी के अलग से जो चौकीदार है उनको देना पड़ेगा। अब आए चौकीदार को सुबह सुबह 10 रुपये बचे, पूरे 100 रुपये लग जाएंगे। ये खर्चा देख लो, अभी तो उठे हैं रोड पे, चढ़े नहीं होटल पे है, रोड पे जाएंगे तो आपको पता है और कितना खर्चा आएगा। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। पहले चाय पीते फिर गाड़ी में यूरिया भी तो डालनी है। अब देखो क्लच साइड कितना माल बाहर आ गया, दिखाई दे रहा है आगे से। तो दोस्तों जितने भी नई गाड़ी आती है सब में एक एक प्रॉब्लम आती रहती है। अभी ये गाड़ी इतनी ज़्यादा यूरिया खाती है, क्या बताऊँ। ओरिजिनल लिलैंड की बाल्टी आती है ना, इसका ढक्कन बहुत सरल है खुलने में, देखा एक झटके में खुल गया। लगाते हैं पाइप इसके अंदर। अब देखो दोस्तों मैं बिल्कुल आपको सरल तरीका बता देता हूँ, आपको ऐसे खींचने की ज़रूरत नहीं, इसको पूरी पाइप को इसे अंदर लेके जाना है। अंदर लेके गया, ऐसे किया, अब देखना ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी ये आ गया, मुंह से खींचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं भी यूरिया मुंह में हो जाता, मुँह खराब हो जाता सुबह सुबह। तो दोस्तों यूरिया डाल दी, अब लगा देते हैं ढक्कन, पूरी बाल्टी डाल दी। देखो कुछ नहीं खाली कर दिया, और ये ने और भी नहीं भरा, ये पूरा 48 लीटर के लमसम है, 20 लीटर की बाल्टी से थोड़ा भरने वाला है। तो दोस्तों देख लो यूरिया डालते हाथ धोने पड़े, हाथ ने थोड़े बहुत जहाँ पे यूरिया टच हुए ना तो हाथ ऐसे चिपड़े टाइप में हो गए। दोस्तों हमारे को तो टोल, ITO, चेक पोस्ट ये परेशान करके रख दिए। अब देखो सामने एक और चेक पोस्ट आने वाला है, और आगे कंटेनर गाड़ी खड़ी है ना एक दो, वहाँ पे ITO वाले खड़े, 300 रुपये उनको देने पड़ेंगे। नीचे उतरने की हर हालत में तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक तो ITO पुलिस ये सारे इधर से उधर 200-250 रुपये के लिए सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। देखो यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए है, इधर तो हमारे बेस्ट मैन कोहली, और इनका क्या नाम है भैया, इनका क्या नाम है, पुनीत, हाँ पुनीत, पुनीत क्योंकि हर मूवी में लमसम
एक्टर अपना नाम चेंज रखता है। भैया केले कैसे दिए? 60 रुपये केजी। आप केले को पकाते कैसे हो? हमारी तरफ तो केले होते नहीं, हम तो बस खाने में जानते हैं। आप पकाते कैसे हो? ये ऑटोमेटिक पक जाता है? ऑटोमेटिक है, 2 दिन में पकेगा ये वाला। मतलब जैसे पेड़ से तोड़ दिया तो 2 दिन बाद ऐसे ये डंडा पकने लग जाएगा ऑटोमेटिक। एक ये थोड़ा सा कच्चा खा के देखूं मैं कैसा लग रहा है। कौन सा? दोस्तों इधर दिखा रहे, ये कच्चे दो तीन दिन बाद ऑटोमेटिक पक जाएंगे। एक वो कच्चा वाला खा के चेक करता हूँ कैसा लगता है। दोस्तों ये खा के चेक करते हैं कैसा लगता है। हाँ मुझे सवा चेक करना है, इसको तोड़ो ना। कौन सा भी एक केला तोड़ दे दो कच्चा। दोस्तों ये खा के चेक करूँगा फिर पन्ने वाले। ठीक है भाई, यूट्यूब पे आ जाएगा, चैनल है मेरा, ठीक, आर के ट्रक ब्लॉग सर्च मार ले, ठीक। तो इधर से केले तो खरीद लिए, इसमें तो है थोड़े पक्के केले, और एक मैंने एक जो कच्चा केला लिया है ना, इसका ना थोड़ा सा स्वाद अलग है। तो आज देखो बारिश, ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, रोड पे तो थोड़ी बारिश हो जाती है तो वो ज़्यादा ही मानी जाती है, क्योंकि रोड का पानी तो साइड में आएगा, जब गाड़ी चलती है ना तो पीछे ना धूल टाइप में आ जाती है। इस साइड से हवा चल रही है तो पूरा पानी ना वो ड्राइवर साइड ही जा रहा है, उस साइड के साइड ग्लास सब गंदे हो गए। दोस्तों देखो एक ब्रिज को ही सलटा दिया एक गाड़ी ने पूरे ब्रिज को ही पीछे से लेके आ गए तक। ओ भाई भाई देखो इधर से इधर निकल गया भाई साहब, भाई ड्राइवर ही बहुत मुश्किल है। देखो सब तोड़ डाला एक गाड़ी ने, पूरे ब्रिज को ही सलटा दिया। दोस्तों ये जगह वही है। ओ भाई यार, भाई भाई साहब की बिल्टी गिर गई। ओ भाई साहब हेलो, बिल्टी गिर गई, बिल्टी गाली करते बेचारी, वो किचन से गिर गई। दोस्तों ये जगह वही है, हम इस साइड से गए थे ना वो सरिया भर के, और मैंने वो कैमरा दिखाया था ना आगे उधर होटल में जाके, तो भाई देखो कैसा कैमरा लगा रहा है ये वही होटल है। और अब मैं थोड़े टायर वायर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो ITO चेक पोस्ट वहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए, वहाँ से निकलने के बाद कहीं नहीं रुके। दोस्तों आपने वो पीछे वाली क्लिप देखी होगी, एक बार फिर से देख लेना गौर लगा के, उस गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। बोलो वो जो रोड पे फुटपाथ पे लोहे का लगाया हुआ होता है ना, इसको बोलते तो क्या, मेरे को इतना ज़्यादा मालूम नहीं, वो यहाँ से घुसा गाड़ी के और पीछे की तरफ निकल गया। भाई ड्राइवर की क्या हालत हुई होगी। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1:30 और यहाँ पे आए थे 11:30 बजे। हमारी गाड़ी का आगे का टायर पंचर हो गया और आगे जेक ही बहुत मुश्किल से लगा। एक बार आपके भाई की हालत देख लो, चेहरे की तो ठीक ठाक है, पीछे से देखो पेंट वेंट दिखाई दे दिया, और ये देखो आगे का टायर पंचर हो गया। भाई बहुत मुश्किल हुई, आपका भाई इस कीचड़ में ने नीचे घुस के, ये देखो यहाँ पे इस कीचड़ में नीचे घुस के और जेक लगाना पड़ा, और जेक ही 2-3 बार जेक लगाया ना तब जाके इस साइड में जेक लगाया। क्या करें, यहाँ पे जगह ही तो नहीं है ना, यहाँ पे बनवाइए टायर की पंचर, और पंचर तो बना दी। भैया ने क्या बोला कि भाई हवा कितनी करनी है, तो उन्होंने बोला ड्राइवर को पूछ, तो मैंने ड्राइवर को पूछा तो ड्राइवर ने बोला 40, तो भाई ने 40 में समझा रहे, तो मैंने बोल दिया 40, मैंने बोला 240, मैंने बोला हाँ हाँ, मैंने बोला यार नली पकड़ तो 240 में टायर ही फट जाएगा ये 140 हवा रखनी है इस टायर में, 240 में तो सच्ची में ये टायर ही फट जाएगा। तो भैया ने रिस्क लिया है, नहीं डायरेक्ट बोल दिया आजा तू पकड़ ले इस नली। अभी टाइम हो रहा है 3:20 और टायर तो कस दिया, पहले जल्दीबाजी में व्हील केप लगा वो भूल गए, व्हील केप अंदर रखे आगे लगाएंगे जगह देख के। इस साइड तो देखो व्हील केप है, उस साइड की व्हील केप को अंदर रख दिया, अब चलते हैं आगे। अभी तक देखो दोस्तों खाना भी नहीं खाया, टायर पंचर हो गया ना, यहाँ पे होटल नहीं है खाने की, ये चाय है ऐसी, बुंदा मार्केट की तरफ बुंदा है, 15,000 का है। दोस्तों इस साइड में इंडियन का पंप, ये कर्नाटक का लास्ट पंप है, आगे महाराष्ट्र लगने वाला, ये जल की बॉर्डर वाला इंडियन का पंप है। ये जलेबी भाषा ख़त्म होने वाली है कुछ ही मिनट बाद, और अब चलते हैं यहाँ से है ना टंकी फुल करवाएंगे। दोस्तों महाराष्ट्र बॉर्डर पे पहुँच गए, उधर देखो गाड़ी का वजन
54920 दिखाई दे रहा है ना, और कांटे पे खड़ी है अभी गाड़ी। अभी टाइम हो रहा है 9:30, सामने थी राजस्थानी होटल, खाना वाना खा के आए और महाराष्ट्र में आ गए। तो दोस्तों आज सुबह से वीडियो चल रहा है, और आज थोड़ी सी हमारी भी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि हमारी गाड़ी का आगे का पहिया पंचर हो गया, आगे का पहिया पंचर हो गया, बस बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशान हुए। सुबह से वीडियो चालू ही है, अभी तक एडिट भी नहीं किया। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइज नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।